इस खेल में सबको शांत रहना, समझे? ये इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पे? दादी हमें हिप्नोटाइज करके ड्रीम वर्ल्ड में ले जा रही है। अरे निशु, तूने अब तक खाना नहीं खाया? नहीं दादी, मैं तो डॉली दी का वेट कर रही थी। मुझे क्या पता था कि वो मुझे धोखा ही दे देगी। निशु, आज डॉली दी का दिन है, तुझे हर वक्त अटेंशन चाहिए। देख कीर्ति, तू ना अपना मुंह बंद ही रख, समझी? होना चाहिए डाल लेना, तेरी नाइट ड्रेस पे आके गिरेगी। और वैसे भी मैं डॉली दी से नाराज हूँ। अरे बेटा, वो तुझे इग्नोर नहीं कर रही थी, बस बिजी थी अपने डांस में। अब थोड़ा ज्यादा हो गया था, पर बेटा काहे करें, उसकी शादी है, उसका ध्यान सुमित में ही अटका है। ध्यान मतलब क्या? वो 20 साल तो हमारे साथ ही थी ना, और ये अचानक से सुमित जी को इतना सारा फुटेज क्यों दे रहे, क्या पता? That is love, है ना दादी? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बट निशु के सामने तो लव की बातें भी नहीं कर सकते, आज ही हमारा झगड़ा हो गया। अरे प्यार की बातें करते करते कोई लड़ता है के? अरे प्यार तो जीवन का वो रस है जिसे जितना चाखो उतना ही कम है। दादी, आप अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताओ ना। हाँ, हमारी लव स्टोरी, हम लोगों के जमाने में तुम्हारे जितनी छूट तो थी नहीं, गज भर का तो घूंघट लटका रहता था हमारे चेहरे पर। हाँ, तुम्हारे दादाजी को देखना भी चाहती थी तो देख ना पाती थी, अब मन बहुत करता था। फिर मैंने एक जुगत भिड़ाई और मैंने जिद पकड़ ली कि मैं तो एक हल्की साड़ी पहनूंगी जिसके आर पार सब दिखता था। How exciting! क्या क्या देखा आपने? सबसे पहले तो देखे मैंने उनके गोरे गोरे हाथ। मैंने सोचा भाई है तो बहुत गोरे। फिर उसके बाद मैंने देखे उनके ऊंट मुस्कुराते हुए मारी तरफ ही देख रहे थे, मारी तो सांस ही अटक गई। फिर एक दिन की बात सुना, वे शरबत पी रहे थे, तिरछिन्नी गांव से हमारी तरफ देख भी रहे थे, तो शरबत छलक गया, मैं फटाक बोल पड़ी जी कुर्ता तो उतार लो। फिर जिस नजर से उन्होंने हमारी तरफ देखा, मैं तो शर्म के मारे ही मर गई। बस, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। अरे बेटा, उसके बाद का किस्सा तो मैं खुद ही ना सुना पाऊंगी। तो ऐसे बड़ा जी मारा प्यार। इसे प्यार थोड़ी ना कहते। अरे भली तेरी शादी होगी ना, तब पूछूंगी तुझसे। ये शादी वादी मैं नहीं करने वाली। अरे ऐसे थोड़ी होता है निशु, मैंने फिल्म्स में देखा है, हर किसी के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर बना होता है। बिल्कुल, हर किसी के लिए कोई ना कोई एक और कीर्ति के लिए पांच, मल्टीपल चॉइस। स्टॉप इट नाउ गाइस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली सोचती हूँ कि अपने लाइफ पार्टनर चूज करने पे ना कॉलेज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि वी ऑल डोंट मेक मिस्टेक्स। और हम कीर्ति को बुलाएंगे डॉक्टर कीर्ति और निशु होगी मेरी तरह फेल। फेल निशु, तेरा मतलब है कि वो अपने जीवन साथी के बारे में सोच भी नहीं सकती? क्यों निशु? बड़ी तेरी, मैं तो सोचू थी कि मारी निशु दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। दादी वो मैं अभी से हार मान गई, ये तो नहीं दादी, मुझसे ये काम ना नहीं हो सकता। कर सकती हूँ, क्या करना है, बैठकर बस सोचना ही है ना, मैं सोच लूंगी। ये हो ना बात, आ मेरे सामने बैठ, मैं तुझे तेरे सपनों की दुनिया में लेके जाती हूँ। चल निशु, आजा आजा आजा। आना निशु। अब आंखें बंद कर और ध्यान लगा और सोच कि वो लड़का कैसा होगा जो थारे लिए बना। निशु तो चमगादड़ से शादी करना चाहती है। क्या है? नहीं वो भैया क्या है ना कि एग्जाम में जब भी मैं कोई आंसर भूल जाती हूँ ना, तो हमेशा छत पर देखती हूँ, शायद कुछ याद आ जाए।
ऊपर कुंजी चिपकी रहती है क्या? चुपचाप आंख बंद कर और अपनी इमेजिनेशन में जाओ, दादी का ये वाला नुस्खा हमेशा काम करता है। लेकिन तुम लोग मेरी हेल्प तो करोगे ना? अरे हम सब तेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। तू आंखें तो बंद कर, अरे सोच तो सही। क्या दिखा? अंधेरा। तो बत्ती जला। कोई मिला निशु? इतनी भीड़ है, कहाँ मुझे कोई मिलने वाला है। निशा, ड्रीम में जाने के लिए बोला है, सब्जी लेने जाने के लिए नहीं। अरे मुझे पता तो हो कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ। किसी ऐसे को ढूंढ जो स्टाइल में तुझे आके कहे आई लव यू। निशा दीदी, जब से आपने नुस्खा दिया है ना, आपके नुस्खे के बाद जो है हमारी भैंसिया जो है डबल दूध देना शुरू कर दी है। थैंक यू निशा दीदी, आई लव यू। अरे निशा दी, मैं ग्रेजुएट हो गया, आई लव यू निशा दी। आई लव यू निशा दी। निशु, निशु। अरे निशु। हाँ, किसी ने आई लव यू कहा कि नहीं? कहा ना, वो कैफे वाले राजू ने, दूध वाले अंकल ने, और वो शर्मा जी के कुत्ते ने भी मुझे आई लव कहा। निशु, ऐसा वाला आई लव यू नहीं, रोमांटिक वाला आई लव यू। ये कोई एनजीओ की रैली थोड़ी ना है। चल ठीक है, तेरी ड्रीम मैं डायरेक्ट करता हूँ, तू बस आंख बंद कर और सोच। एक बड़ी सी सड़क है, उसके बीचों बीच तू खड़ी है, लाइट्स, ये तो खाली रास्ता है, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। अरे सारे एक्स्ट्रा अपने अपने मार्क पे आओ, चलो। ओए लोबान गुन लाएगा, रोमांटिक सीन बनाना यार। म्यूजिक। ईक्स, स्टॉप दिस म्यूजिक। लव स्टोरी है या गोस्ट स्टोरी है? सुकु प्लीज चेंज द म्यूजिक यार। दूर धुएं को चीरती हुई एक ब्लैक सी हाई फाई गाड़ी आएगी। छी, कार्स। मुझे कार्स बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ बाइक्स पसंद है। तो ठीक है ना, कार के पीछे एक बाइक भी आ रही है। ये तो यहीं पे अटक गया। निशु, चेहरा दिखा? नहीं दादी, नहीं दिखा, मेरे सपने की रील तो वहीं अटक गई। अरे तू फिर कोशिश कर। ओके। चेहरा दिखा? नहीं दादी, मेरी सपनों की रील बार बार आके वहीं अटक रही है, और मुझे इसके आगे कुछ सोचना भी नहीं। आप कीर्ति से कह दीजिए, शायद वो आपका सपना पूरा कर दे। आप मुझसे ऐसी उम्मीदें ना ही रखे तो अच्छा है, ये सब मेरी बस की बात नहीं। निशा का दिल, डॉगी की टेल, टोटल फेल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।